नमस्कार, यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूबीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। यूबीएन 08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश शेलक की रिपोर्ट। ये समाचार बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोसा गोंदी का है, जहां पर इन दिनों श्रीमद् भागवत गीता महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ 4 मार्च से 12 मार्च तक मधुरमय संगीत द्वारा भागवत कथा श्रीमान आचार्य यशवंत महाराज द्वारा प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता बसंत कुमार साहू, श्रीमती कमलेश्वरी देवी साहू कोसा गोंदी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बसंत कुमार साहू ने बताया कि ये कार्यक्रम हमारे पूर्वज माता पिता के पुण्य आत्मा को शांति के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही आचार्य यशवंत महाराज ने अपने मुखारविंद से कहा कि एक दूसरे के प्रति भावना नहीं रखना चाहिए, छुआछूत भेदभाव इन सभी को नष्ट कर मानव को मानव से जुड़ने का एक अनोखा पहल यशवंत महाराज ने बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल से हाय हेलो कहना ये गलत बात है, युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ती चल जा रही है, इस कारण ऐसे अनुष्ठान बसंत साहू द्वारा किया गया है। मैं युवाओं को अपने मुखारविंद से कहता हूँ कि नशा पान छोड़ सादगी जीवन जीने का प्रयास करें। साथ ही बसंत कुमार साहू के पुत्र नुमेश कुमार साहू, पत्नी प्रीति बाला साहू, टीकेश कुमार, सुमन साहू, मंदाकिनी, दिलीप कुमार चौधरी ये बेटी दामाद हैं, चंद्रमणि गुलाब पुत्र, खुशबू, योगराज, हेमलता ये सभी वचन साहू के नाती नातिन हैं। इन सभी के समक्ष एक समस्त ग्रामवासी कोसा गोंदी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। गोधन गजधन बाजधन, उसी प्रकार गुरु और शिष्य की रिश्ता है सेम, एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं, एक दूसरे के पीछे कभी छोटे बड़े भाव नहीं, दोनों से बराबर। बिना गुरु के शिष्य बेकार और बिना शिष्य के गुरु बेकार। भगवान कहते हैं भक्त हैं तो भगवान है, भगवान है तो भक्त हैं, एक दूसरे के पूरक है कि नहीं है। नाम दाऊ जी, बसंत कुमार साहू। जो अभी कार्यक्रम करवात हुए का उद्देश्य से कार्यक्रम के आयोजन करे? मैं यहाँ 2014 में एक बार भागवत ठीक करा रहे हूँ ना, तो दूसरे बेटा है और प्रसिद्ध बने और नशा पान से मुक्त हो जाए, ये उद्देश्य से भागवत आयोजन रखें और ये जन मानस तक कल्याण हो। और जैसे मतलब नशा पान की ये है सब, इससे यदि सीख मिले और सीख मिले तो युवा मन के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? युवा मन ऐसे भी मतलब इस मार्गदर्शक से मतलब अच्छे कार्य से जुड़े और इस भागवत कथा के श्रवण करे और जो गलत रास्ते में जा रहे हैं वो सही रास्ते पे चले, ज्ञान मार्ग को अपनाएं, ये उद्देश्य से।